नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों हुई हिंसा केस में एसआईटी तेजी से एक्शन ले रही है। अब एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे बुरे फंस गए हैं और उनके रिश्तेदार पर भी गाज गिर चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 5000 पन्नों की है। इसमें एसआईटी ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एसआईटी ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा को हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया है। मामले में एसआईटी ने वीरेंद्र शुक्ला नाम के एक शख्स को भी आरोपी बनाया है। हालांकि वीरेंद्र शुक्ला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वीरेंद्र शुक्ला आशीष मिश्रा का ही रिश्तेदार है, उस पर सबूत छिपाने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही दो गाड़ियों में एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले वीरेंद्र शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। आखिर आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया है, तो चलिए ये भी बताते हैं। पहला मुद्दा है कथित किसानों को रौंदा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में थार जीप किसानों को रौंदते हुए गई थी और ये वही थार थी जिसमें आशीष मिश्रा बैठा था। एफआईआर में भी ये बात कही गई थी। दूसरा मुद्दा है गोलियां भी चलाई गई। आशीष मिश्रा ने किसानों पर गोलियां चलाई। एसआईटी की जांच में ये सामने आया है कि फायरिंग आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर से हुई थी। तीसरा मुद्दा है सोची समझी साजिश। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि लखीमपुर की घटना लापरवाही या हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वहीं अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिनुकिया गांव में हिंसा हुई। किसानों को रौंद दिया गया। इस हिंसा में 4 किसानों के अलावा 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की भी मौत हो गई। 5 अक्टूबर को बहराई जिले के किसान जगजीत सिंह ने आशीष मिश्रा समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके जवाब में 6 अक्टूबर को शिवपुरी से बीजेपी पार्षद सुमित जायसवाल ने भी एफआईआर दर्ज कराई। सुमित जायसवाल लखीमपुर कांड में आरोपी भी है। 9 अक्टूबर की सुबह आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्रा ने कई बार जमानत याचिका दायर भी की, लेकिन हर बार खारिज हो गई। 14 दिसंबर को एसआईटी ने लखीमपुर खीरी कांड में एफआईआर में धाराएं बदलवाने के लिए कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के सामने एसआईटी ने लखीमपुर खीरी कांड को सोची समझी साजिश बताया। कोर्ट ने एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की बजाय हत्या की धारा जोड़ने की मंजूरी दी। वहीं जगजीत सिंह की एफआईआर के मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 13 को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी अभी जेल में हैं। वहीं वीरेंद्र शुक्ला भी आरोपी हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जाँच एसआईटी तेजी से कर रही है। लखीमपुर खीरी मामले की पूरी गाज मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर गिरी है। एसआईटी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि चार्जशीट में 14 लोगों के नाम हैं, जिसमें आशीष मिश्रा का रिश्तेदार भी शामिल है। उस पर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। पुलिस जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।